राम राम जी सबको। आज का हमारा टॉपिक है फैट बर्न को लेके, वेट लॉस। आजकल बहुत सी आप देख रहे होंगे कि वेट प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है लड़कों को, या लेडीज फीमेल सब है, मतलब उसमें इस कैटेगरी में काफ़ी है। हम उसके ऊपर बात करते हैं आज, फैट बर्नर बारे में। बतेरे बंदे हैं कि जो फैट बर्नर यूज़ करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका फैट लॉस नहीं हो पाता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि फैट बर्नर तो आप ले लेते हो लेकिन आपको डाइटिंग और वर्कआउट का सही तरीके से पता नहीं होता, कैसे क्या करना है और कैसे नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो आज उसी बारे में हम बात करते हैं। फैट बर्नर आप किसी भी ब्रांड का, मतलब मसल टैक, लिपोसिक्स, काफ़ी ब्रांड आ रहे हैं आज के टाइम में जो अच्छे हैं, जो हार्मफुल नहीं इतना। अगर आप लंबे टाइम तक ना चलाओ, किसी घंटा चलाओ तो ठीक है, आप लंबे टाइम तक चलाओगे और अपने आप ही उसको यूज़ करते जा रहे हो करते जा रहे हो, और वर्कआउट नहीं कर रहे, डाइटिंग नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे को नहीं लगता किसी को उससे बेनिफिट भी मिलता होगा। तो फैट बर्नर लेने के बाद सबसे बड़ा, लड़के सोचते हैं कि फैट बर्नर ले लिया थोड़ा बहुत कार्डियो कर लेंगे तो हमारा फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ आपको डाइट भी प्रॉपर कंट्रोल करनी पड़ेगी और अच्छे से अपने कैलरी काउंट करके सब डाइट में अपना, मतलब फॉलो करना पूरा तरीके से, तो ही हमारा फैट लॉस होगा। हमारे पास भी लड़के आते हैं कि भैया फैट बर्नर यूज़ करते 2 महीने हो गए, अभी हमारा 3 से 4 kg डाउन हुआ है। तो आप नेचुरल भी इतना, अगर आपका डाउन जा रहा है 3-4 kg, तो इतना तो आप नेचुरल भी जा सकता है, तो आपको फैट बर्नर की तो कोई ज़रूरत थी ही नहीं। और फिर आप उसको बॉडी में डाल रहे हो, क्या फ़ायदा उसका जब तक आप उसका रिजल्ट नहीं निकालोगे। कोई भी आप फैट बर्नर या कोई प्रोडक्ट आप लोगे तो आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना अच्छे रिजल्ट के लिए। आप जिससे भी फैट बर्नर लेते हो, मतलब या नहीं भी लेते हो, तो अपने ट्रेनर या कोच या जहाँ से भी ले रहे हो स्टोर से, पहले अपने बैठकर डाइट डिस्कस कीजिए। डाइट का इसमें सबसे बड़ा गेम है। डाइट आप उनसे बताइए कि आप ये ले सकते हो या नहीं खा सकते, क्योंकि आपकी टाइमिंग आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। बंदा तो आपको डाइट बता भी देगा लेकिन डाइट तो फिर आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है ना। लेकिन अगर आप बोलते हो कि भैया ऑफिस होता है मैं नहीं ले पाता, तो उनको बताइए कि सर मेरा ऑफिस है। कई लड़के होते हैं कि वहाँ हमारे पास भी आते हैं, बोलते हैं भैया ये कर लेंगे कर लेंगे, और फिर वो करते क्या है कि डाइट लेनी उस टाइम पर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं अपने काम के चक्कर में या कोई और प्रॉब्लम भी हो। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप हमें बताइए कि उसका ऑप्शन भी निकल सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे डिस्कस कराएंगे जब भी उसका सोल्यूशन होगा। और आपको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो जल्दी है तो आप फैट बर्नर यूज़ कीजिए, और जल्दी नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी इतनी। अगर आप 2-4-6 किलो आपको लूज़ करना है तो इसके लिए तो फैट बर्नर मैं नहीं मानता कि जायज़ है। बाकी आपको अगर थोड़ा ज़्यादा जल्दी है कि कुछ वही कोई भी आपकी बात हो सकती है उसमें, तो आपको फैट बर्नर यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसके साथ आपको डाइट बहुत ज़रूरी करनी पड़ेगी, या आप काट मार लीजिए इस बात को। और वर्कआउट भी कम से कम आपका 1.5 से 2 घंटे होगा, जिसमें आपका कार्डियो होगा करीब 40-50 मिनट्स का कार्डियो, और वेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। और एक दूसरी बात, कि सबसे बड़ी बाइन बात होती है कि हम फैट बर्नर या वेट लूज पर जाते हैं तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं, उससे हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं होना है, सिर्फ हमारी कमज़ोरी होगी, हमारे वेट लॉस में हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ जब भी आप ये यूज़ करें, किसी के अंडर में करें, या अपने ट्रेनर से या कोच से या किसी से भी, मतलब जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं उनके अंडर में यूज़ करें, उनसे अपने सारी डिस्कस डाइट करें, वर्कआउट डाइट करें, अपने टाइमिंग वगैरह, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू। राम राम।